जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के अगर जितने भी हमारे रेफरी देख रहे हैं, और आज के जो देखने वाले एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता जिस प्रकार से परागिरी जो इतिहास रच रहे हैं राजू का, अगर बात करें तो आज एक खुशी स्पोर्ट से और एक राज स्टूडियो से जो हमारे सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं यानी यूट्यूब मराठी भाषी कितना भी तारीफ करें कम होगी। कि यहाँ पर अगर बात करें इसमें अगर कोई भी टीम विजय श्री के ताज पहन लेते हैं तो निश्चित तय है राजदा 50,001 रुपया प्लस एक ट्रॉफी निश्चित तय है। तो क्या यहाँ पर हारना जो पसंद नहीं करेंगे चारों टीम लेकिन दो टीम को तो क्या हो सकता है राजू का फीका का कोई ऐसा नियम है कि यहाँ पर चारों को मिले ऐसा तो नहीं होगा। और गजल की है यहाँ पर बात करें जिस प्रकार खेल रहे रॉबिन बर्दर से घूमला मैदान ही एक बार नजर दौड़ा के देखेंगे रॉबिन बर्दर से घूमला। और यहाँ पर अगर बात करेंगे राजू का रबीन एंड नेहरू का यहाँ पर जोड़ी है क्योंकि रबीन बर्दर को माना जाए रबीन एंड नेहरू गुगला दोनों का काफी बढ़िया जोड़ी रहा है आज क्या करते हैं। और कम नहीं अगर बात करेंगे यहाँ पर जेएससी महिला दूर छोर से प्रयास का महिला था लेकिन यहाँ पर रबीन बर्दर जर्सी नंबर 5 दोनों की कहा खाते खिलाड़ी देखो और यहाँ पर संतुष्टि ले रहे हैं लंबा सफर इसके लिए अपने खाते खिलाड़ी को बताने के लिए यहाँ पर आपको सताने नहीं देंगे मैच को। दूर दूर से प्रयास का अवसर मौजूद है काफी दूर से प्रयास और काफी अच्छी जोड़ी है यहाँ पर और दूर दूर से प्रयास यहाँ पर डेंजरस एरिया में गए और सिरे और बॉल का तो संपर्क यहाँ पर है श्याम वर्मा जर्सी नंबर 4 में लेकिन यहां पर असफल कीपर जाने नहीं दिए। क्वार्टर फाइनल का मैच हम सभी दर्शक देख रहे बहुत ही बढ़िया लंबा सा कीपर का साथी खिलाड़ी थे रवि दर्शन लेकिन यहां पर गलत कर बैठे सीधे ये एसटी महिला। अगर बात करें मैदान भी एक बेहतरीन मैच देखने का मौका मिल गया है डॉक्टर ने स्पोर्टिंग आबादी चौगा भर से माहिर व्यक्ति के बीच खेली जा रही मैच का मैच रेफरी कर रहे नरेश महतो जी चर्चित रेफरी आज के टूर्नामेंट में एसिस्टेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस ऐतिहासिक खेल मैदान में हमारे पंचायत के मुखिया सुभद्रा देवी जी पधारे हुए हैं उनका हमारे समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे बनाए पंचायत के मुखिया श्रीमती मौसम सुभद्रा देवी जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है धन्यवाद। दिनेश जी महिला दोनों दोनों तरफ मैदान ए में भी खेल रहे थे तो मैदान भेजे थे एक महिला एफसी है और एक जेएससी महिला जेएससी महिला जो है मैदान ए में है और लाल रंग के साथ और महिला जो एफसी है ये मैदान बी में खेल रहे हैं इसलिए आप ये वाला पर मैदान के बिल्कुल बाएं नीला रंग को खेल रहे बहुत ही बढ़िया गोपदा अपने दर्शकों को परिचय दिला दिए। चलिए संख्या में हमारे माँ बहन आई है उन्हें कहीं अच्छे अच्छे बड़ा बड़ा मैच देखने का मौका उन्हें मिलता नहीं आज आई है उस हमारे माँ बहन को एक बार देखने का मौका मिला देश की बहन है उसमें पूरी तरह परिचित नहीं हो रांची से जिला यानी दो अंतर जिले जिले का टीम गुमला रांची एक बार बढ़ाने का प्रयास देखने का अब तक नहीं मैदान के मध्य रेखा के आसपास से निकल रही है
और घूमना कौन सा बहुत ही बढ़िया बेहतरीन खेल दोनों की कैसी महिला दूर खोल कर प्रयास यहाँ पर खतरे के बादल बचा रही थी लेकिन दिनेश जी आपने शायद कई बार ये निर्देश दे चुके हैं हमारी प्रगति के कदम क्योंकि उत्तर और पूर्व उत्तर और पूर्व पर हमारे जो महिलाओं के लिए हर साल आरक्षित किए जाते हैं आरक्षित इस बार भी उन्हीं को नाम आरक्षित किए हुए हैं कृपया आप जो भी कर सके आप कोशिश साथी आप बहुत ही बुद्धिजीवी बनते आता है और एक समझदार व्यक्ति के नाते आप लोग बहुत सारे ऑफ साइड का नियम है कीपर में संभलने को भी ठीक से संभला नहीं पाया था और दंदनाता हुआ ठीक आया था धीरे धीरे चलिए एक बार मैदान टीम में भी चलते हैं जो कि बेहतरीन मैच है हमें देखने का मौका मिल रहा है और दर्शकों का अगर बात करके मेरे ख्याल से लगता है गौरव जी आप और मेरे से बहुत परिचित है उद्घोषक है बहुत सारे ऐतिहासिक या बंगाल में कहे या तो इटावर के हर एक क्षेत्र में मैच होता है आपका आवाज हम सभी दर्शक सुनते हैं तो मेरे ख्याल से लगता है आपको क्या लगभग मैं कहूंगा कि कितना दर्शक आए हैं राजधानी पर बता देंगे तो बड़े भाईशाली महसूस करेंगे हमारे आयोजन में बड़े दर्शक की आकलन दिनेश जी ये कहना तो बड़ी बात है और मैं कही दूंगा अंदाज से कहूंगा ये संभवतः लाख तक लेकिन एक बार ये बात अकबर और बीरबल के बीच में हुआ था अकबर ने बीरबल से पूछा राजा अकबर की बात सभी जानते हैं अकबर ने बीरबल से पूछा अच्छा बीरबल बताइए तो हमारे राज्य में कितने कौवे हैं कौवों की संख्या वो तुरंत बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा कि भेड़ के एक भेड़ के जितने बाल हैं उतने सारे हमारे राज्य में कौवों की संख्या है तो आपको पूरी तरह यकीन है पूरी तरह यकीन है विश्वास नहीं हो रहा था अकबर जैसे बोले आप सम्मान से देख लेते हैं बात कर मान लिए और इस तरीके से आज मैं कहना चाहूंगा पूरा रवाज भरा हुआ है दर्शकों में उत्साह जगा काफी दिन लगभग दो साल बीत गए हैं इस कोविड 19 के कारण देश देखने का मौका नहीं मिला काफी शिद्दत के बाद मौका मिला है ये मौका है दिया तो सूर्य आने अगर गोल होने की चांसेस शुरू कर बनता हुआ लेकिन नहीं फिर आगे का भी बहुत ही बढ़िया बात कहे राजू गोपदा जैसे ही आप कोविड का बात कहे तो मेरा एकदम कलेजा हिल गया और मैं ऐसा करूंगा कि भाई अगर कोविशील्ड की वैक्सीन अभी आप देख रहे हैं हर एक जगह में चल रहा है कि आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम पर वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है पिछले दिन मैंने देखा जैसे आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर या तो कहीं आपके द्वार कार्यक्रम में जाकर हो या तो कहीं भी जाकर वैक्सीनेशन करवा लें धन्यवाद बड़े भाई बहुत अच्छी रहा आपने कहीं से कोई भ्रम लग चुका था काफी लोगों के भ्रम था कभी वैक्सीन लेने को ये हो रहा है वो हो रहा है वो भ्रम भ्रम के पाले में न पड़े बिल्कुल आप जाए जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहां से आप वैक्सीनेशन लेकर आए आइए मैं दोनों ही मैदान में आपका गोल और दूर दूर से प्रयास है लेकिन यहाँ पर मेरे में साथ में बहुत सारे आमंत्रित हमारे मुखिया हो और सदस्य हो सबके श्रीमान के लिए चौथा साल ये लगभग है बहुत बार कि सर्कस आवाज को समाज के सर्कस आवाज को आमंत्रित किए हैं कमांडरी बाकी मैं बहुत ही भाई और इस प्रकार इस खेल के बाद तैयार रहेंगे क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए आप आ जाएंगे इस शार्ट के लिए तो आप अपने गाड़ी के पास चले जाएंगे भाई सभी खिलाड़ियों से आग्रह कि आप अपने गाड़ी के पास चले जाएंगे धन्यवाद मैं दो दिवसीय खेल का आप लोगों के बीच अभी ये वर्णन कर रहा हूं यानी आप लोगों से समाचार हुए फुटबॉल प्रतियोगिता का दिनांक 5 और 6 फरवरी
याद रखिएगा कि दो पांच और छह इसमें प्रवेश एक टीमों की संख्या तो प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 70,000, तृतीय पुरस्कार 40,000, चतुर्थ पुरस्कार 40,000। याद रखिएगा पांच और छह फरवरी 2022 दिन शनिवार और रविवार स्थान तोड़ो फुटबॉल में। देखना आइए से लेकर आगे का विवरण दिनेश जी। रवि बर्दर्श गुमला मैदान में और जे एस सी माइनो मध्यांतर के बाद दोनों ही मैदान में खेल की शुभारंभ हो चुकी है। अब यहाँ पर कौन सा टीम आज बरामगिरी के ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान यानी आरती सुहाई टूर्नामेंट में इतिहास के पढ़ने में नाम लिखाएंगे ये तो आना बाकी है। गौसा कि यहाँ से अगर पाजी मारते हैं तो निश्चित आज ये हकदार बन जाएंगे। मेरे ख्याल से लगभग तय है 50,000 के तो हकदार निश्चित बन जाएंगे, लेकिन अभी कहना बड़ी मुश्किल है। दूर दूर से कीपर ने पीछे ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि हमारे इस मैच का जो ऐतिहासिक मैच का आपका जो जब भी प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है या शायद दूर से भी है या बहुत दूर है फिर भी अभी यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। आज से पीके स्पॉट और राज स्टूडियो ये दोनों के सौजन्य से पीके स्पॉट और राज स्टूडियो के सौजन्य से आप आपका मैच का जितने सारे लाइव प्रसारण हो रहे हैं ये आप सभी सभी अपने अपने मोबाइल पर यूट्यूब में देख सकते हैं। और दोनों ही टीम में मैदान ए में भी और मैदान बी में भी सेकेंड हाफ का मैच चल रहा है। पहले अब तक दोनों टीमों के बीच बिल्कुल 0-0 पर थे और कोई अंक तालिका भी अंक हासिल नहीं कर सके थे। देखते हैं आप जिसने जुटे हुए हैं एक एक ईद के लिए शायद अभी तरसना पड़ रहा है देखने के लिए कि मैं किस तरीके से देखूं। इसके लिए बहुत सारे दर्शक देख नहीं पा रहे ऐसी भी बात है और बहुत सारे दर्शक इस मेले का भी आनंद ले रहे हैं। और मैं तो सुना हूँ कि मैदान में शायद मुर्गा पाड़ा भी आएगा। जी 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 11-12 बजे से ही मुर्गा पाड़ा स्टार्ट हो चुका है। क्या बात है, अच्छी जानकारी देते हुए की जानकारी देते हुए हमारा दिल का कोई गोल मैदान ए में देख रहे हैं मौका मिलता है तैयारी करता हुआ मैदान में देखिए यहाँ पर जानते हैं गेंद अक्सर मौजूद है यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार
और यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके बड़क बनाए थी इसकी महिला राखी कटे और गुमला पर भारी पड़े। फिलहाल गुमला बात यह कह रहा है राजू साहब, मैं थोड़ा सा आधा कर देना चाहूंगा आपको कि पहले ग्रुप ए में जो खेला गया था नवीन पटन गोमला और हाईस्कूल लागू थी जी तो जिसमें एक शून्य की बढ़त पहले बनाए थे हाईस्कूल लागू थी और जैसे ही मौका मिला नवीन पटन से गोमला में जगह छोड़ने के एकदम एक एक के बराबरी कर रहे और आउट के जरिए होता था हाईस्कूल लागू थी यानी ये पहले राउंड का मैच थी। केंद्रीय सचिव है कुछ ही समय में हमारे इस मंच पर सुशोभित मंच पर इस सम्मानित मंच पर प्रधान देने आ रहे हैं। चलिए बहुत खुशी की बात है यहाँ पर आने वाला है और हमारे मंच पर आ रहे हैं उनका स्वागत है और अभी अभी हमारे मंच पर आ रहे हैं ऊपर मत सुना तो हर एक पंचायत समिति धरनी देवी जी और पत्रकार दैनिक जागरण के ग्रीन महतो जी और सभी का स्वागत है। अभी अगर हमारे इस शुभागमन घड़ी पर हमारे मन की शुभ को बढ़ा रही हमारे एंड का स्वागत है इस मंच की शुभ को बढ़ाए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वार्टर फाइनल का मैच देख रहे हैं सभी तमाम दर्शक दोनों टीमों में बहुत ध्यान टक्कर इधर भी मैदान टीम में भी कोई कम नहीं देखते हैं गोल देने के लिए अग्रिम पक्ष में लाए हैं गोल गेंद को काफी दूर से लेकर आसाने के सरकार बढ़िया की खतरा हो सकता है उतना ही अच्छा डिफेंस का बचाव गगन की छुट्टी दोनों टीमों के बीच के समाज से भी और काफी अगर बात करेंगे इजागर में अगर बात करेंगे मैं भी बहुत दिन तक इजागर में रहा था साथ में आए सभी पार्टी के सदस्य वरिष्ठ पदाधिकारी सभी का स्वागत है। माफी चाहेंगे जो हमारे इजागर से आए हुए सभी पदाधिकारी आजकू के सभी पार्टी के परिवार का स्वागत है इस मंच पर और बच्चे में अगर बात